was like, oh my god, there's so many people jo mujhe itna pyar karte hain. I mean, yeah, it feels amazing. I really want to thank to all my fans for believing in me. मेरे ख्याल कंफर्म्ड है, डिवोर्स हो चुकी है और 15th मार्च 2020 को शादी हुई थी, वो भी हम लोगों ने बड़ी फॉलो की और एंजॉय की. डिवोर्स जो है मेरे ख्याल से सज्जल ने मोर और लेस कंफर्म कर दी है. वी आल्सो हैव इट फ्रॉम अदर सोर्सेज के कंफर्म हो चुकी है डिवोर्स की. इट्स बीन लीगलाइज्ड, मतलब हाँ लीगली डिवोर्स हो चुकी है. हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि सज्जल अली और अहद रज़ा मीर की तलाक कंफर्म होने के बाद लोगों ने क्या कुछ कहा है, यहाँ तक कि एक फैन ने खुदकुशी तक कर ली है. सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे. यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि कुछ दिनों से सज्जल अली और अहद रज़ा मीर की तलाक की खबरें सोशल मीडिया पे तेजी से गर्दिश कर रही थी, लेकिन सज्जल अली और अहद रज़ा मीर ने इस बात को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की. लेकिन आमना ईसाई ने लाइव आकर तमाम तर लोगों को ये बता दिया कि सज्जल अली और अहद रज़ा मीर ने अब अपनी राहें जुदा कर ली है. उन्होंने ये भी कहा कि ये वक्त यकीनन सज्जल अली के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि किसी भी लड़की के लिए तलाक लेना कोई आसान बात नहीं होती है. What does Ahad mean to you? He's very special to me. I've met Sajjal at a very good time in my life because she knows me for who I am. सज्जल अली और अहद रज़ा मीर के फैंस उनसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे कि वो इन्हें हमेशा ही साथ देखना चाहते थे. वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि दोनों ऑफ स्क्रीन या ऑन स्क्रीन अलग हों. जब सज्जल अली और अहद रज़ा मीर की तलाक की खबरें उड़ रही थी, तब एक फैन ने सज्जल अली की पोस्ट के नीचे कमेंट करके पूछा कि आप दोनों ने डिवोर्स ले ली है, हम नहीं चाहते हैं कि आप दोनों कभी भी अलग हों. तो उस पर सज्जल अली का कहना था कि इंशाल्लाह हम लोग कभी भी अलग नहीं होंगे. मगर सज्जल अली की शोबिज इंडस्ट्री दोबारा से ज्वाइन करने पर अहद रज़ा मीर ने शदीद रद्देअमल इख्तियार किया और उन्हें न जाने क्या कुछ कह दिया और उनके घर तलाक भेज दी. सज्जल अली को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अहद रज़ा मीर उनसे इस कदर नाराज हो जाएंगे कि वो इनको तलाक ही दे देंगे. जैसे ही सज्जल अली को तलाक के कागजात मिले, तो सज्जल अली ने अपने इंस्टाग्राम आईडी से कुछ दिनों पहले ही अहद रज़ा मीर का नाम हटाकर अपने फादर का नाम सज्जल अली रख लिया है, जिस पे तमाम तो फैंस का यही कहना था कि सज्जल अली ने ऐसा क्यों किया है जबकि पहले उनका नाम सज्जल अहद था. मगर तमाम तो सवालात पर सज्जल अली खामोश रहीं और अब तक दोनों ने अपने इंस्टाग्राम आईडी से एक दूसरे की पिक्चर्स रिमूव नहीं की हैं और ना ही एक दूसरे के बारे में कुछ कहा है. लेकिन लीगली ऑफिशियली ये बात कंफर्म हो चुकी है कि दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं. सज्जल अली और अहद रज़ा मीर की तलाक की खबरें सामने आने के बाद लोगों ने इन्हें बहुत ही बुरी तरह से ट्रोल किया है. लोगों का कहना है कि सज्जल और अहद ने बहुत ही बुरा किया है, इन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहिए था. एक लड़की जो सज्जल अली और अहद रज़ा मीर की फैन थी, उसने तो खुदकुशी कर ली, उससे तो ये सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ. वो लड़की तो इनकी असल में दीवानी निकली, उसने तो खुदकुशी ही कर डाली. इसके बारे में मैं आपको तमाम तर तफसीलात देते चलूँ की जैसे ही सज्जल अली और अहद रज़ा मीर की तलाक की खबरें सामने आई, तो उनके फैन पेज ने जो कि इनकी लड़की दीवानी थी, उसका नाम सारा था, उसने सज्जल अली और अहद रज़ा मीर की कुछ वीडियोस को एडिट किया और अपने फैन पेज पे शेयर कर दिया. वो बहुत ज्यादा परेशान थी और रो रही थी और उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसे हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया से चली गई.